नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के सेशन में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि अब जो सिनेरियो चल रहा है कोर्ट में, उसको देखते हुए क्या चांसेस हैं, रिनीट होगा या नहीं होगा, और अगर नहीं होगा तो काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो सकता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और काउंसलिंग रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप बातचीत कर सकते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, मेरे अकॉर्डिंग पहले भी रिनीट की संभावना कम थी। मैंने जो पहले वीडियोस अपलोड किए हैं उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि रिनीट की संभावना कम है। आज के डेट में भी अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं यही कहूंगा कि रिनीट की संभावना कम है। उसके कई सारे कारण हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि रिनीट अगर होना होता तो ये 1563 बच्चों का एग्जाम नहीं कराया जाता। पहले उन बच्चों का एग्जाम कराया गया। चाहे इसके पीछे जो भी रीजंस हो, मनसा चाहे सरकार की गलत हो, चाहे स्कैम हुआ हो, चाहे स्कैम ना हुआ हो, बट जो सिचुएशंस डेवलप हो रही हैं, जो ओवरऑल माहौल दिख रहा है, उस माहौल के अकॉर्डिंग मैं ये बता रहा हूं आपको कि रीनीट के चांसेस नहीं है। सीबीआई को जो जांच सौंपी गई थी, सीबीआई ने अभी तक कोई बहुत पक्का या कोई ऐसा एविडेंस नहीं दिया है सरकार को, या फिर कोर्ट में ऐसा कुछ पेश नहीं किया है जिससे ये पता चले कि वाकई में मास लेवल पे चीटिंग हुई है या स्कैम हुआ है। इसके अलावा सीबीआई की बात अगर हम, सीबीआई से बड़ी तो कोई जांच एजेंसी हो नहीं सकती है। सीबीआई को ही जब सौंप दिया गया है और सीबीआई ने ही जब अभी तक अगर कोई ऐसा ठोस पक्का प्रूफ नहीं दिया है तो और किसी जांच एजेंसी के ऊपर तो क्या ही भरोसा करें। इसके अलावा आईआईटी मद्रास का एक रिपोर्ट सबमिट किया है एंटी ने कोर्ट में, उसमें भी आईआईटी मद्रास ने यह बताया है कि जो इन्फ्लेशन है बच्चों का, रैंक का और मार्क्स का, यानी मार्क्स के हिसाब से रैंक का जो इन्फ्लेशन है वो यूनिफॉर्म इन्फ्लेशन है। ऐसा नहीं है कि 650 से 720 के बीच में ही ज्यादा बच्चे हैं, 600 से 650 के बीच में भी ज्यादा बच्चे हैं, 550 से 600 के बीच में भी ज्यादा बच्चे हैं, 550 से नीचे जो बच्चे हैं 400, 450, 350, तो हर स्लैब में इक्वली इन्फ्लेशन आया है। तो अगर नीट में पेपर मास लेवल पे लीक हुआ होता तो 650 से ऊपर बहुत ज्यादा बच्चे होते, नीचे इतने बच्चे नहीं होते, नीचे इतने स्टूडेंट्स नहीं होते, बट हर रेंज में इन्फ्लेशन आया है। तो इसके पीछे रीजन जो है वो ये हो सकता है कि पेपर इजी था, 25% सिलेबस डाउन कर दिया गया है, बच्चे आजकल तैयारी करते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन तमाम तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं, तो ये रीजन भी हो सकता है। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से काउंसलिंग आप लोगों की एक हफ्ते में नोटिफिकेशन आ जानी चाहिए एंड 2 हफ्ते में काउंसलिंग स्टार्ट होनी चाहिए, हो जानी चाहिए, यानी 20 से 25 तारीख के बीच ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और भी इस तरह के वीडियोज लाते रहेंगे। नमस्कार।